नमस्कार, दस्तक एक खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले HRD हुआ करता था, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बच्चों को आगाह किया है कि वैसे बच्चे जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने के बाद BA या बाकी किसी टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहता है, उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम पर 3 ऐसे वेबसाइट बनाई गई हैं, www.sarvshikshaonline, https://samagrashikshaabhiyan.co.in और https://shikshaabhiyan.org.in। ये तीनों वेबसाइट फर्जी है और इस पे लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अगर इस वेबसाइट के जरिए किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं तो आपको नौकरी भी दी जाएगी। मिनिस्ट्री ने अपने आदेश में ये कहा है कि साइबर सेल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और साथ साथ अपने एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी अलायड एजेंसी हैं, उनको कहा है कि देश के तमाम बच्चों को यह बताने की कोशिश करें कि इन तीनों वेबसाइट का दुरुपयोग कम से कम हो सके। दुरुपयोग ना हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो 10वीं और 12वीं के इम्तिहान के बाद BA में, मेडिकल में या किसी और डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें इस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसी किसी भी वेबसाइट से अपने बच्चों को नामांकन देने की कोशिश नहीं करता जिसमें सीधे नौकरी दी जाती हो। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि आप 12वीं पास कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, IIT में जाइए या NEET में जाइए, आपको योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी के बदले पैसे लेकर आपको सही जगह पर पहुंचाने की अगर कोई बात करता है तो ये सरासर झूठ है। चाहे वो विदेशी कंपनियों में, विदेशी यूनिवर्सिटीज में, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी दिलाने, एडमिशन दिलाने की बात की जा रही हो, NRI के नाम पे आपको ठगने की बात की जा रही हो, तो आपको इससे बचकर रहने की जरूरत है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि इन वेबसाइट का नाम है www.sarvshikshaonline, https://samagrashikshaabhiyan.co.in और https://shikshaabhiyan.org.in। ये तीनों वेबसाइट फर्जी हैं। इस पर जाकर आपको एडमिशन के लिए किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर इसमें आप एडमिशन लेंगे और इसके जरिए आप कहीं पे अपना पैसा लगाते हैं तो आपका करियर भी समाप्त होगा और करियर समाप्त होने के साथ साथ आपके पैसे का भी नुकसान होगा। इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तमाम बच्चों को ये बता दूं कि भारत की अपनी एक व्यवस्था है CTET, NEET या CET या NTA के द्वारा निर्धारित परीक्षा, जिसके तहत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में उनके एडमिशन होते हैं, उसके बाद योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी जाती है या आगे पढ़ने का मौका दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर भारत सरकार एक परीक्षा के जरिए उनको पैसे भी देती है, स्कॉलरशिप भी देती है। आपको ये भी बता दें कि अगर आप IIT या NEET क्वालिफाई कर लेते हैं तो बिना कोलेट्रल के आपको लोन भी सरकार देने की व्यवस्था कर चुकी है, लेकिन ऐसे वेबसाइट से जो आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर देके आपको बरगलाते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनसे बचकर रहने की जरूरत है। खास करके उन बच्चों के लिए जो टीन एज में एब्रोगेटिव होते हैं, मम्मी पापा की बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और विदेश जाने के लालच में इन वेबसाइट के चपेट में आ जाते हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिलहाल यही कह रहा है। नमस्कार, मिलते हैं किसी और विषय के साथ नए एपिसोड में।